तो गाइज फाइनली सीएम पंक को AEW ने साइन कर लिया, लेकिन गाइज आपको ऑल आउट पेपर में नहीं बल्कि किसी और शो में सीएम पंक का डेब्यू देखने को मिल सकता है। रिसेंटली हुए WWE के लाइव इवेंट की बात करेंगे, जहां पर हमें जॉन सिना और रोमन रेंस मेन इवेंट में देखने को मिले। उसके अलावा गाइज बात करेंगे इस हफ्ते हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में। तो गाइज सभी के बारे में इस वीडियो में बात होगी, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग से, जहाँ गाइज इस हफ्ते की रेटिंग्स की बात करें तो वो काफ़ी गिर चुकी हैं, क्योंकि लास्ट वीक WWE को रेटिंग्स मिली थी 2.3 मिलियन, लेकिन अगर हम बात करें इस हफ्ते की तो यहाँ पर व्यूअरशिप मिली है 2.04 मिलियन व्यूअर्स। और इस वीडियो का कम होने का कारण है ओलंपिक्स, आप सब जानते हैं ओलंपिक से सभी शोज़ को काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिलती है, तो ऐसे में व्यूअरशिप कम होना बनता ही है। लेकिन गाइस अभी ये एक्चुअल नंबर नहीं है, क्योंकि ओवरऑल नंबर सही नहीं होते और हमें वेट करना चाहिए एक्चुअल नंबर्स का। और गाइस जैसे एक्चुअल नंबर आते हैं मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है इस व्यूअरशिप से WWE को ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होने वाली। अब गाइस हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है WWE के लाइव इवेंट से। अब गाइस आप सबको पता है कि पैंडेमिक के बाद से WWE के कोई भी लाइव इवेंट्स नहीं हुए, लेकिन रिसेंटली WWE का शायद पहला लाइव इवेंट हुआ है पैंडेमिक के बाद, जहाँ गाइस ये लाइव इवेंट हुआ पिट्सबर्ग में। और सबसे पहले मैच हमें देखने को मिलता है वुमेंस का टैग टीम है, जहाँ पर नाया जैक्सन शीना बिजलर को हरा देती हैं नेटालिया एंड तमीना। उसके अलावा हमें बियांका ब्लेयर और कार्मेला के बीच स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जहाँ पर बियांका ब्लेयर ने इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। रॉ वुमेंस चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिला, जहाँ पर निकी क्रॉस ट्रिपल थर्ड मैच में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करती हैं अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड शार्लेट फ्लेयर। और यहाँ पर रिया रिप्ली को क्राउड की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। और इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर निकी क्रॉस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। उसके अलावा बॉबी लैशली जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन के बीच एक 2-on-1 हैंडी कैम मैच देखने को मिला, जहाँ पर बॉबी लैशली इस मैच में काफ़ी आसानी से जीत हासिल कर लेते हैं। एजे स्टाइल एंड रीडल के बीच भी सिंगल्स मैच हुआ, जहाँ पर गैस रीडल RKO लगाकर इस मैच को जीत लेते हैं। उसके अलावा गैस हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर और शेमस के बीच, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था। और यहाँ पर गैस रिजल्ट की बात करें तो मैकइंटायर इस मैच को जीत लेते हैं और मैच खत्म होने के बाद उन पर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं जिंदर महल, लेकिन यहाँ पर अपर हैंड मिलता है ड्रू मैकइंटायर को। इसके बाद गैस फाइनली बारी आती है मेन इवेंट की, जहाँ पर हमें द ब्लड लाइन अगेंस्ट जॉन सिना मिस्टीरियोस के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और यहाँ पर गए जॉन सिना के एंट्रेंस पर उन्हें क्राउड की तरफ से ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला और ये नाइट का सबसे बड़ा पॉप भी था। और गैज अगर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जॉन सिना अपना फिनिशर AA लगाकर इस मैच में अपनी टीम के लिए जीत हासिल करते हैं। और गैज कुछ इस तरीके से WWE का हमें लाइव इवेंट देखने को मिलता है। अब गैज हम चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ, और गैज ये जुड़ी है सीएम पंक से। तो गैज सीएम पंक और AEW की बातें आप सब जानते हैं, काफ़ी पिछले कुछ टाइम से चल रही हैं। और अब गैज ऐसा माना जा रहा है कि सीएम पंक और AEW के बीच ऑफिशियली डील साइन हो चुकी है और सीएम पंक आपको बहुत जल्द अब AEW में देखने को मिलेंगे। और गैस इन सभी बातों को और भी ज़्यादा हवा देने के लिए एक और अपडेट है मेरे को आपको देने के लिए। और गैस रिसेंटली सीएम पंक ने AEW को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा गैस सीएम पंक का थीम सॉन्ग जिस बैंड ने गाया, जिसका नाम है लिविंग कलर, उन्होंने भी रिसेंटली AEW को फॉलो करना शुरू कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है, ये सब हिंट हमें यही बताते हैं कि सीएम पंक ऑफिशियली AEW में आने वाले हैं। और गैस अगर मैं बताऊं कि आखिर किस शो में सीएम पंक डेब्यू कर सकते हैं, तो गैस ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम पंक शिकागो के किसी शो में अपना AEW डेब्यू करेंगे। और गैस यहाँ पर शिकागो में AEW के 3 शोज होने वाले हैं, जो कि 1 सितंबर, 3 सितंबर और 5 सितंबर को होंगे। 1 सितंबर को हमें AEW डायनामाइट, 3 सितंबर को हमें AEW रैम्पेज और 5 सितंबर को हमें ऑल आउट पेपरव्यू देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है इनमें से किसी एक शो में आपको सीएम पंक ऑफिशियली AEW में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। तो फिर गाइज ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किस शो पर हमें सीएम पंक का AEW में डेब्यू देखने को मिलेगा, जो कि सभी फैंस काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। तो गाइज बस आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक किए मैंने तो कहीं मत जाना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।